शारदीय नवरात्र के मौके पर मध्य प्रदेश के मैहर में लाखों दर्शनार्थियों का पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसके लिए यहां व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए व्यवस्थाएं बनाई हैं। सैकड़ों कैमरे तैनात किए गए हैं। यहां के पुजारी ने बताया कि 9 दिनों तक मां की आराधना की जाएगी और लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मां शारदा के भक्त भी देश भर से यहां पहुंचेंगे। दरअसल 3 अक्टूबर से नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसे में प्रत्येक मंदिरों में तैयारियां जोर शोर पर हैं। देश भर में प्रसिद्ध त्रिकुट पर्वत पर विराजी माँ शारदा के दर्शन के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मेले के शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि मैहर माता शारदा के दरबार में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होने की उम्मीद है। इसको लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने इन तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। सुरक्षा में करीब हमको पुलिस मुख्यालय और आई जी रीवा जॉन सर के आदेश के अनुसार हमको बल मिल रहा है और हम करीब 600-700 का बल हमारे पास उपलब्ध रहेगा, जिसको हम 6-7 सेक्टर में अलग अलग 6 सेक्टर में बांट के लगाएंगे। नगर के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। ये क्योंकि अभी रात में भारी वाहन कभी कभी आ जाया करते थे, लेकिन नवरात्र के अवसर पर दिन और रात 24 घंटे पूरी तरह से ट्रैफिक, भारी ट्रैफिक आना बंद रहेगा। कटनी, रीवा, सतना और सरला नगर तरफ से आने वाले भारी वाहन शहर में प्रवेश ना करें, इसके लिए हमने सभी जगह पर पुलिस बल लगा के, बैरिकेड्स लगा के उनको डाइवर्ट करने का प्रयास किया है। और प्रयास कर रहे हैं कि उचहरा थाना से भी जो भारी वाहन है वहीं से वो डाइवर्ट होकर के रामबन गमन पथ से होते हुए हाईवे पर पहुँचें और वहाँ से रहें। जहाँ तक यात्री वाहनों की बात है तो छोटे, हल्के, मध्यम वाहन प्रवेश करेंगे, उनकी पर्याप्त चेकिंग होगी और उसके बाद ही वो नगर में प्रवेश कर पाएंगे। प्रशासन की माने तो इस बार मैहर मंदिर में वीआईपी सिस्टम पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। सभी को सामान्य तौर पर ही दर्शन कराने होंगे। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। मंदिर द्वारा चलाए गए ई रिक्शा की मदद से ही दर्शनार्थी मंदिर तक पहुँचेंगे। 600 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती भी यहां की जा रही है। मां शारदा के गर्भगृह तक में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नवरात्रि को लेकर मंदिर प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की हैं। सुनिए पुजारी सुमित महाराज ने क्या बताया। नवरात्रि का विशेष पर्व में भक्तों में उत्साह भरपूर रहता है। लाखों की संख्या में मां के दरबार में मां शारदा के दर्शन करने भक्तजन आते हैं। और जो भी इस नवरात्र में, वैसे तो सभी दिन सामान्य हैं, लेकिन नवरात्र के विशेष तपस्वी पर्व में जो भक्त माँ के दर्शन, माँ की पूजा पाठ, आराधना, उनके मंत्रों का उच्चारण, व्रत इत्यादि रखते हैं, उनको माँ शारदा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखा गया है माँ के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से माँ के दरबार में आते हैं तो उनको कोड़ी को काया, निर्धन को माया और भांजों को पुत्र जैसे अद्भुत वरदान माँ शारदा के दरबार में प्राप्त होते आ रहे हैं। किस तरह से 9 दिनों तक माँ की आराधना होने वाली, आने वाले 9 दिनों? आराधनाओं में माँ शारदा के प्रातःकालीन 4 बजे से सिंगार आरती होने के बाद माँ के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे और रात्रि 10 बजे तक, 11 बजे तक, जब तक दर्शनार्थी चलेंगे दर्शन होते जाएंगे। इन पर्वों में 3 बार माँ की आरती पूजा होगी, भोग लगेगा और माँ के दर्शन होते जाएंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से शासन प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्था दुरुस्त की गई है। दर्शनार्थी सुरक्षित पूर्वक माँ के दर्शन करेंगे। उनकी दर्शन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, दर्शन के उपरांत किसी भक्त को भोजन प्रसाद भंडारा पाना है तो नीचे वो भी व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन द्वारा दुरुस्त हैं। दर्शनार्थी आ सकते हैं, माँ के दर्शन कर सकते हैं।